हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एसक्यूएल के अंदर डायनेमिक क्वेरी कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक डेटाबेस बनाते हैं। तो यहाँ से क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम दिया और क्रिएट कर। इस डेटाबेस को यूज करने के लिए हमको लिखना होता है कमांड यूज डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पर मेरा क्या होता है, डेटाबेस सेलेक्ट होके आ जाता है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जे मैं एक कोर्स का टेबल बनाता हूँ। तो कोर्स के टेबल में क्या आया, कोर्स आईडी आया, कोर्स नेम, डिस्क्रिप्शन, फी, ड्यूरेशन, डेट, स्टेटस, ये सारी चीज़ें हमने ले लिए। आइडेंटिटी वन बेसिकली ऑटो इंक्रीमेंट होगा और कोर्स आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया है। और इसको मैं क्या करता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, उसी तरह हम एक स्टूडेंट का टेबल बनाते हैं। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट और स्टेटस लिया और इस टेबल को भी मैं क्रिएट कर दूँ। उसी तरह से मैं क्या करता हूँ, अब कहने का मतलब है ये कोर्स टेबल मेरा अलग है, स्टूडेंट को स्टूडेंट टेबल अलग है। लेकिन अगर बात करें कोई यूजर अगर रजिस्टर्ड होता है, कोई यूजर हमारे फ्रंट एंड से अगर कोई रजिस्टर्ड होता है, तो कोई स्टूडेंट रजिस्टर्ड होगा तो उसका कोर्स भी तो होगा। तो स्टूडेंट कोर्स नाम का टेबल है। बेसिकली इसमें क्या होगा जी, स्टूडेंट आईडी भी आएगी और कोर्स आईडी भी आएगी और इस टेबल को भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब इसमें क्या है जी, कुछ कोर्स के नाम मैं डाल देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ क्वेरी बना के। तो बेसिकली हमने तीन रिकॉर्ड इसमें डाल दिए और मुझे क्या करना है, अब अगर कोर्स देखोगे तो आपके डेटाबेस में कुछ इस तरह से कोर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब इन कोर्स के ऊपर मुझे क्या करना है, अब स्टूडेंट भी बना देता हूँ मैं पहले। तो मैं यहाँ पर 10 स्टूडेंट का लिस्ट रखा हूँ, यहाँ से मैं 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड डाल लेता हूँ टेबल के अंदर। अगर इस क्वेरी को मैं चलाऊँ तो आप देखोगे जी, यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टूडेंट ऐड होके आ गए, 10 स्टूडेंट ऐड होके आ गए। अब बात करते हैं जी, कोर्स हो गया, स्टूडेंट हो गया, अब मुझे क्या करना है, स्टूडेंट कोर्स में डेटा डालना है। तो उसके लिए मैं क्वेरी बना के रखा था पहले से, मैं इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें भी डाटा डाल देता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि इसमें भी कुछ डेटा है जो हमारे आ रहा है। ठीक है, अब बात आती है डायनेमिक क्वेरी की। डायनेमिक क्वेरी होता क्या है, डायनेमिक क्वेरी होता है बेसिकली जी, अगर कोई भी चीज़ों को अगर मुझे रन टाइम पर चेंज करना है, जैसे मुझे पता नहीं है कि कौन सा फील्ड आएगा, क्या डेटा उठाना है। अब जैसे जी एक सिनेरियो में बताता हूँ, जैसे जी अगर आपके पास एक कोर्स का लिस्ट आ रहा है, अगर यूजर कहे जी मैं जो हूँ मुझे इस पर ऑर्डर बाई लगाना है, लेकिन ऑर्डर बाई भी अलग अलग कंडीशन है, एक साथ मैं चाहूँ तो तीन ऑर्डर बाई लगा सकता हूँ। जैसे जी अगर बात करें स्टूडेंट वाली टेबल की, तो मैं यहाँ से स्टूडेंट टेबल की बात करूँ और इसकी बात करूँ, मैं यहाँ पर एक क्वेरी बनाता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब मैं यहां पर ऑर्डर बाई लगाता हूं, ऑर्डर बाई, पहला ऑर्डर बाई हम किस पर लगाएंगे, स्टूडेंट की आईडी पर लगाता हूं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर बाई या स्टूडेंट के नेम पर लगाता हूं। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, मैं डिसेंडिंग लगाता हूं। चला दिया क्वेरी, चल गया, ठीक है, अच्छी बात है, डिसेंडिंग आ रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूं इस ऑर्डर बाई में मैं एक पैरामीटर और डालूं जी, उसके एड्रेस, एड्रेस के हिसाब से, जो पहले नेम पर तो सॉर्टिंग किया ही, लेकिन साथ में ऑर्डर पर भी करना है, एड्रेस पर भी करना है। तो यहाँ ए लगा दिया, एड्रेस लगा दिया। अब मैं इस क्वेरी को चला, तो ये का किया जी, एड्रेस के हिसाब से भी आ गया और नेम के हिसाब से, दो दो चीज मेरा इसके अंदर आ गया। ठीक है, लेकिन अब बात ये आती है जी, कभी ये आए, कभी ये आए, कभी हो सकता है दोनों आए, कभी हो सकता है खाली एड्रेस पर लगाना हो। तो हमको बेसिकली ये डिफाइन नहीं होता है कि हमको किस पर लगाना है, नेम पर लगाना है कि एड्रेस पर लगाना है या दोनों पर लगाना है, नेम और एड्रेस दोनों पर लगाना है, ये डिफाइन नहीं होता। तो इस टाइप के चीज़ को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डायनेमिक क्वेरी यूज करते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, डायनेमिक क्वेरी शुरू करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, एक सिंपल क्वेरी बनाते हैं। तो डायनेमिक क्वेरी को लिखने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है, सिंपल डिक्लियर, एक एसक्यूएल डिक्लियर कर लिया, एन भैर कैर या भैर कैर, आप मैक्स भी ले सकते हो, जो भी आप लेना, आप जितना भी आपको लेंथ रखना रख सकते हो। उसके बाद मैं कह रहा हूँ जो स्टूडेंट आईडी, एक स्टूडेंट आईडी हमने क्या किया, डिक्लेयर कर लिया। अब सेट कर रहा हूँ स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू वन, बाय डिफॉल्ट मेरा स्टूडेंट आईडी वन है।
अब डायनेमिक क्वेरी क्या होता है जी, सेट एसक्यूएल के अंदर, इस एसक्यूएल के अंदर हम सिंगल कोट के अंदर क्वेरी को लिखूंगा और जो मैं ये डिक्लेयर किया हूं इसको यहां पर सेट करूंगा पैरामीटर को, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। अगर मैं इसको चलाऊं क्वेरी को तो देखो किस तरह से रिजल्ट आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। बेसिकली हम क्या हो गया, इस क्वेरी का सिंटैक्स हमको दे दिया, यहां से प्रिंट एसक्यूएल जब करूंगा तो इस क्वेरी का सिंटैक्स दे दीजिए, एक्चुअल में मेरा क्वेरी बन के क्या आ रहा है। तो क्वेरी मेरा बन के क्या आ रहा है, ये आ रहा है स्टूडेंट होयर, स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट आई डी डायनेमिक आ रहा है जिसको हम क्या कर रहा है प्रिंट करके दे रहा है। अगर मैं इसको रन करूँ तो डेटा आ रहा है। अब आप कहोगे जी डेटा तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर तो सिंटैक्स आ रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, इस प्रिंट को कमेंट कर देंगे और ईएक्सी में एसक्यूएल को डाल देंगे। अगर मैं इसको रन करूं तो ये क्या करेगा, देखो हमको डेटा ये रिटर्न करके दे दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ टू कर दूं तो टू वाले को हमको डेटा रिटर्न करके दे देगा, ये आप देख लो टू वाले का दे रहा हूं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डायनेमिक क्वेरी बनाते हैं। अब जितना भी चीज मैं यहाँ डिक्लियर करूंगा उसकी वैल्यू को सेट करूंगा और इसके साथ छोड़ दूंगा, ये सिंपल सा लॉजिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं, अगर मुझे एक टेम्प टेबल बनाना, टेम्प टेबल कहते हैं टेम्पोररी टेबल, तो एक टेम्प टेबल बनाया टीवीएल स्टूडेंट के नाम से जिसमें स्टूडेंट आईडी लिया, नेम लिया और एड्रेस लिया, और इसमें मैं क्या किया टेम्प टेबल में डायनेमिकली डाटा इंसर्ट कर रहा हूँ। कैसे, इंसर्ट इनटू टेम्प टेबल, क्या आंसर फील्ड एड करना है, स्टूडेंट आईडी, नेम और एड्रेस, तीन चीज इंसर्ट करना है। अब तीन चीज इंसर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट क्वेरी लगाता हूँ, सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी नेम एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट मास्टर। अब स्टूडेंट के जो मेन टेबल्स वेयर एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस, अब ये एड्रेस कहाँ मिलेगा, एंड स्टूडेंट मोबाइल नंबर इज इक्वल टू दिस। अब जिस जिसका एड्रेस ये है और मोबाइल नंबर ये है वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, टेम्प टेबल में एड हो जाएंगे। अगर मैं चला के देखूं तो यहां से मैं इसको यहां से और यहां तक को सिलेक्ट करता हूं और देन मैं चलाता हूं, देखो इस एड्रेस पर गोपालगंज में उस मोबाइल नंबर पर एक बंदा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट का भी काम करा सकते हैं टेम्प टेबल के थ्रू। इसके अलावा अगर आपको ऑर्डर बाय वाला बनाना है वो भी क्वेरी आप बना सकते हो, जैसे जो मैं जो पहला एग्जांपल मैं दिया था उसके लिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट टेबल लेता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ @sqlandvarchar_max, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, अपना क्वेरी को लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, सेट इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर मैं जो भी यहां क्वेरी लिखूंगा इसके अंदर मैं लिखूंगा, ठीक है। अब इसमें मुझे क्वेरी लिखना है, इसके साथ मुझे और भी चीजें ऑर्डर डिक्लेयर ऑर्डर बाय मुझे लगाना था, इन दोनों को मुझे क्या करना है जोड़ देना। जोड़ूंगा कैसे, पहले तो मेन क्वेरी में लिखूंगा, उसके बाद ऑर्डर बाय यहां पर डालूंगा, ठीक है। तो पहले ऑर्डर बाय ही सेट कर लेता हूं, जैसे जो ऑर्डर बाय मुझे किस पर लगाना था, ऑर्डर बाय मुझे लगाना था यहां पर, मैं लगाया था स्टूडेंट नेम और एड्रेस पे, ठीक है। तो इसी चीज को मैं यहां से कॉपी करता हूं और ऑर्डर बाय में मैं क्या करता हूं इज इक्वल टू द, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहां से स्पेस दे देता हूं, यहां से स्पेस दे देता हूं। अब जो मेन मेरा क्वेरी है वो लिखूंगा, मेन मेरा क्वेरी क्या है, यहां पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ये है। अब मैं क्या करता हूं, ये मेन मेरा क्वेरी हो गया और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल में यहां पर। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, जोड़ूंगा। जोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर @sql जो है हमारा सेट
इज इक्वल टू एसक्यूएल प्लस ऑर्डर बाय। अगर बात करूं यहां पर प्रिंट लगा के मैं देखूं, प्रिंट एसक्यूएल को मैं यहां पर करके देख लेता हूं, जब मुझे क्वेरी बन के मेरी क्या आ रही है, उसके बाद इसको और अपडेट करेंगे यहां से यहां यहां तक कि मैं चीजों को चला के यहां से रन करके देख रहा हूं। ये देखो मुझे क्या मिला यहां पर, ये मुझे क्वेरी इस पर मिल रहा है। इसको अगर मैं चलाऊं ये मेरा इस तरह से रन होके आएगा। लेकिन 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 अब मुझे क्या करना है, ये जो पैरामीटर है ऑर्डर बाई यहां पर, ये डायनेमिक मेरा आ रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं यहां पर डिक्लेयर पैरामीटर वेरकर डी 100 कर देता हूं, और इसमें मैं जो है मैं क्या करूंगा, अब सेट करूंगा सेट ये पैरामीटर जो है हमारा यहां पर जो आ रहा है, इसमें हम क्या करूंगा, इसको पैरामीटराइज किया और इसमें हमारा वैल्यू क्या आ रहा है कुछ इस तरह से, ये इस तरह से। अब इस पैरामीटर को मैं क्या करूंगा यहां पर डायनेमिक करूंगा, कैसे, अब चलाएं इसको, क्वेरी हमारा वही बना अगर रन करके देखे तो। यहां पर लग रहा है वैल्यू में एस छूट गया है, ठीक है मैं क्या करता हूं एक एस यहां पर ऐड, यानी डेट मीन्स यहां पर छूटा हुआ है, देखो यहां पर छूटा हुआ। अब मैं इसको क्वेरी को अगर रन करूं यहां से, यहां से अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखो आ रहा है मेरा क्वेरी। अब मैं चाह रहा हूं जी इसको मैं इधर कर दूं, अगर मतलब वहां से डायनेमिकली मैं स्ट्रिंग इस चीज को बना के भेज रहा हूं, तो इसको आगे पीछे भी मैं कर सकता हूं, और इस तरह से क्या होगा, ये देखो आप मेरा यहां पर एड्रेस कॉल आ गया ये। तो इस तरह से काम के लिए हम क्या करते हैं, डायनेमिक क्वेरी यूज करते हैं एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। अगर इसको अगर प्रिंट के जगह अगर रन करके देखना है तो हमको क्या लिखना है यहाँ पर exec, और इसमें मुझे एसक्यूएल को यहां से सप्लाई कर दें। अब मैं इसको रन करूं तो ये क्या करेगा, हमको रिजल्ट देगा, ये देखो आप, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ऑर्डर बाय स्ट्रिंग होता है, बेसिकली क्या होता है, डायनेमिक क्वेरी होता है एसक्यूएल के अंदर।